Hello and good morning class first students. How are you? I hope you all are fine. मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और सबकी study continue चल रही होगी और जो भी work PDF से आ रहे हैं आप उसको complete कर रहे होंगे. Students, इसके पहले हमने lesson 12 complete किया था और कुछ chapter हम इस subject में छोड़ देंगे कुछ lesson क्योंकि हमें 60% course करने हैं. तो उस हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट लेसन है हम वही लेसन रीड करेंगे. ओके, लेट्स बी स्टार्ट. टुडे आई टीच यू लेसन 14 प्लांट्स अराउंड अस. और इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, इन सब चीजों के बारे में हम इस लेसन में रीड करेंगे. आप जब भी गार्डन में जाते होगे तो आप वहां पे बहुत तरह के प्लांट्स देखते होगे, है ना. कुछ प्लांट्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, है ना. और ये प्लांट्स क्या करते हैं, ग्राउंड में अपने आप को फिक्स रखते हैं और जहां भी आप जाओगे एवरीवेयर लैंड एंड इन वाटर आपको क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, है कि. अब है पार्ट्स ऑफ प्लांट. यहाँ पे आप एक ड्रॉ किया है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का और आप इसमें देखोगे कि प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स है. जिस तरह से आपके बॉडी पार्ट है आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, उसी तरह से प्लांट्स के भी क्या है, पार्ट है. फर्स्ट ऑफ फ्लावर, लीफ, फ्रूट, ब्रांच, स्टेम, रूट. फ्लावर, लीफ, फ्रूट, ब्रांच, स्टेम, रूट. आई रिपीट इट अगेन. फ्लावर, लीफ, फ्रूट, ब्रांच, स्टेम एंड रूट. तो ये प्लांट के क्या है, पार्ट है. Some parts of plant grow above the ground and other parts grow under the ground. और plants के कुछ parts ground के ऊपर होते हैं grow और कुछ parts अंदर grow होते हैं. Most plants start their life as a seed. और अधिकतर plants अपनी life कैसे start करते हैं, seed से. बीज को हम डालते हैं जब अच्छी मिट्टी में, उसको proper sunlight, air, water मिलता है तो क्या बन जाता है, प्लांट्स बन जाता है. अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. अब है पेज नंबर 64 में आप देखोगे कि पॉइंट आउट एंड रीड द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. आपके ये पेज नंबर 64 में है ये क्या क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम, ब्रांच, फ्रूट, फ्लावर, लीफ, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है. ठीक है, तो ये हमने रीड किया कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स भी अलग अलग तरह के हैं. बिग एंड टॉल प्लांट्स विद थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो बिग प्लांट्स होते हैं, है ना, और लंबे होते हैं और जिनकी जो स्टेम्स होती क्या होती है, मोटी होती है, जिसको कि ट्रंक कहते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम ट्रीज कहते हैं. जैसे कि पीपल ट्री, अशोक ट्री, नीम ट्री, बेनियन ट्री, ये सब क्या है, ट्री है. ओके, सम प्लांट्स आर मच स्मॉलर देन ट्रीज. और कुछ प्लांट्स ट्री से छोटे होते हैं और उनकी स्टेम्स क्या होती है, वुडी. दे हैव वुडी स्टेम्स एंड दे आर कॉल्ड शर्ब्स एंड बुजेस. और उनको हम शर्ब्स कहते हैं, नहीं तो झाड़ियां कहते हैं. और कुछ आप इसमें पिक्चर देख सकते हो, जैसे कि रोज प्लांट, कॉटन प्लांट, लेमन प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, ये सब क्या है, श्रब्स है. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल. और कुछ प्लांट उनसे भी छोटे होते हैं एंड दे हैव वेरी सॉफ्ट स्टेम्स. और उनकी जो स्टेम्स होती है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है कि आप ऐसे करोगे तो टूट जाएंगे. एंड दे आर कॉल्ड हर्ब्स. ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड सम ऑफ दीज आर, और वो क्या क्या है, जैसे कोरिएंडर, हरा धनिया, मिंट, पुदीना, ग्रास, घास, ये सब क्या कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं. सम प्लांट्स हैव बिग स्टेम्स. और कुछ प्लांट्स के स्टेम्स बिल्कुल बिग होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं और दे नीड हेल्प टू स्टैंड स्ट्रेट. और उनको खड़े होने के लिए किसी चीज की, किसी सहारे की जरूरत पड़ती है. जैसे अगर कोई प्लांट्स है तो उसको ऐसे है तो उसको आप अगर लकड़ी के सहारे खड़े करोगे तो वो उस पर ऐसे ऐसे से खड़े होते हुए चल जाता है. तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं क्लाइंबर्स. एंड ग्रेपाइन एंड बीन प्लांट्स आर सम एग्जांपल ऑफ क्लाइंबर्स. जैसे कि अंगूर, फिर बीन प्लांट्स, ये सब क्या है, क्लाइंबर्स है.
Some plants with weak stems grow along the ground and they are called creepers. और कुछ plants और हैं जो कि weak stems हैं और ये सिर्फ ground में ही होते हैं, ground में ही इनके fruits होते हैं, तो ऐसे plants को हम कहते हैं creepers. जैसे कि pumpkin, है ना, pumpkin plants. और फिर some plants also grow in and on water. और कुछ plants पानी में होते हैं, जैसे कि lotus, water lilies are example of water plants. ये सब lotus, कमल और water lily कहाँ पे होते हैं? पानी में होते हैं, इनको मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती. अब है ये तो हो गए, हमने पढ़ा parts of plant, different kinds of plant. Parts of plants में हमने पढ़े flower, fruit, branch, leaf, stem, root. और different kinds of plants में हमने पढ़ा tree, उससे छोटी shrub, उससे छोटी herbs, फिर climbers, फिर creepers. अब जिस तरह से प्लांट्स है, प्लांट्स ही हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इनका यूज क्या है हम ये पढ़ेंगे. प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, बहुत तरीके से हमारे काम में आते हैं. वी ईट द लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज स्पिनच, मिंट एंड कोरिएंडर. कुछ प्लांट्स की हम पत्तियां खाते हैं, जैसे कि पालक हो गई, पुदीने हो गए, धनिया हो गया, हरा धना, तो इन सब की हम क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं. वी ऑल्सो ईट द फ्रूट्स ऑफ प्लांट, कुछ फ्रूट्स खाते हैं प्लांट्स के, जैसे कि बनानास, मैंगोज एंड एप्पल. वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोस, कैरट्स, पम्पकिन एटसेट्रा आल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स. वेजिटेबल्स भी जो कि प्लांट्स से ही आते हैं, जैसे कि पोटैटोस, कैरट, पम्पकिन. वी आल्सो ईट द सीड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के हम सीड भी खाते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट एंड बीन्स. Plants such as neem, tulsi and aloe gives us medicine. They help us to this help us when we get hot or fell ill. Plants जैसे कि neem, tulsi, aloe vera, ये सब क्या है? इनसे क्या बनती है? दवाइयाँ बनती है. और जब भी हमें चोट पहुँचती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ये सब दवाइयाँ हमारे काम में आती है. Plants हमें क्या देते हैं? Plants gives us wood for making tables, chairs and cotton मिलती है, जिससे कि हमें हमारे कपड़े बनते हैं. एंड दे आल्सो गिव अस गम एंड पेपर, और हमें गम भी देती है और पेपर भी देती है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट्स हर चीजें हमारी डेली की चीजें किससे पूरी हो रही है? प्लांट से पूरी हो रही है. प्लांट्स गिव अस शेड, हमें छाया देती है, क्लीन हवा, एयर क्लीन करती है, हमें फूड देती है, शेल्टर देती है, शेड देती है. किसको? प्लांट्स हमें भी देती है और बर्ड्स को भी देती है और एनिमल्स को दे देती है. तो ये सारी इन लोगों की पूर्ति किससे हो रही है? प्लांट्स के लिए, प्लांट से. तो प्लांट्स हमारे लिए क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है. तो प्लांट्स एंड ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड नॉट हार्म देम, इन्हें हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटनी चाहिए. वी शुड ग्रो प्लांट्स एट होम एंड लुक आफ्टर देम, हमें घर में प्लांट्स लगाने चाहिए, उनकी टेक केयर करनी चाहिए, जिस तरह से हम अपने फ्रेंड्स की टेक केयर करते हैं. तो ये हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में. आप इस लेसन को घर पे रीड करोगे और जितने पार्ट्स ऑफ प्लांट है इस प्लांट को ड्राइंग करोगे, और जितने पार्ट्स ऑफ प्लांट है प्लांट के जो भी पार्ट्स है उनके नेम लर्न करोगे. ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.